नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे सिखा कर चल रहा हूँ मार्केट को, जिससे कि आप लोग ये समझ पाओ कि मार्केट को मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ या आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जब कभी हम लोग हमारी ऑब्जर्वेशंस के सेंटर को समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट के बहुत सारे पॉइंट्स हमको क्लियर हो पाएंगे। दोस्तों, मेरे प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों को ये अपडेट दिया था कि मार्केट के अंदर 22,568 से 23,005 का जो लेवल है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होना चाहिए, तब अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस रेंज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब हैंड्स चेंज होने चाहिए। तो ये जगह हैंड्स चेंज होने वाली जगह है, मतलब हमें इस रेंज के अंदर स्विंग्स की काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखो दोस्तों, मार्केट अब इस समय पर वीक प्लेस को आउट करके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखो, वीक प्लेयर्स को आउट करने का मतलब ये नहीं है कि वो वीक प्लेयर्स को इस तरीके से बाहर निकाल रहा है कि वीक प्लेयर्स का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर जब भी कभी कोई इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करता है तो उसका एक व्यू होता है। कुछ लोग स्कैल्पिंग करके चलते हैं और कुछ लोग आपका कुछ परसेंट की रिटर्न पर काम कर रहे होते हैं, और कुछ लोग आपके पास में इसको एंट्री और टारगेट के हिसाब से मार्केट में डिसाइड करके अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो, जैसे कि मैं जिस तरीके की ट्रेडिंग को मैं सपोर्ट करता हूँ, जिस तरीके की ट्रेडिंग को मैं प्रेफर करता हूँ, वो ये कि मार्केट में अपनी पोजीशंस लो के पास में अगर हम लोगों ने क्रिएट करी तो ऊपर जाते जाते हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, और जैसे ही डिप आती है वापस से अपनी पोजीशंस को एवरेज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर हम अपने उस लिमिटेड कैपिटल से हमेशा बने रहते हैं। अब कोशिश ये रहती है कि मतलब कि हमारे को कोशिश हमारी जो कैपिटल हो वो सिप्स में जाए, मतलब स्विंग्स में जो आए जाए, तो हम सिप्स में धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि रादर आपके पास में कि पूरा फुल टाइम एक साथ जाया जाए। तो उसी व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ये ऑब्जर्व भी किया था कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा, आधा घंटे की कैंडल मैंने आप लोगों के सामने लगा रखी है, और मार्केट ने कल हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ इस रेंज के अंदर दिखाया। और जब मैं इस डेटा को देखता हूँ तो डेटा को देख के भी मुझे यही समझ में आता है कि ये वो रेंज है जिसके अंदर मैक्सिमम खरीदारी और बिकवाली का दौर चला है। अब देखिए कैसे, कल 6,867 करोड़ के करीब नेट सेलिंग करी है एफआईज ने, और 3,718 करोड़ के अप्रोक्स कहीं बाइंग करी है डीआईज ने। अब दोस्तों, हमारे पास 6 जून 2024 का डेटा है जिसमें 13,000 करोड़ की बाइंग के अगेंस्ट 20,000 करोड़ की बिकवाली है, और दोस्तों यहाँ पर 17,000 करोड़ की बाइंग के अगेंस्ट 13,000 करोड़ की बिकवाली है। तो अब आप कुछ समझो, देखो मैच कितना कर रहा है, 13,000 करोड़ इन्होंने बेचे, 13,000 करोड़ इन्होंने खरीदे, 20,000 करोड़ इन्होंने बेचे और 17,000 करोड़ इन्होंने अप्रोक्सीमेट खरीदे, और मार्केट के अंदर ये स्विंग्स डेवलप होकर आ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ डेटा आपके सामने मैच कर रहा होगा। अब दोस्तों, ऐसा अगर कंसोलिडेशन चला है, अगर ये कंसोलिडेशन चला है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होगा? तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा कि या तो आपके पास में मार्केट प्लेयर्स ने इस जगह पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और ये लेवल में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाने भी स्टार्ट कर देगा, मतलब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो होती है ये डिसाइसिव फैक्टर होती है कि जो पैसा मतलब ट्रांसफर हुआ है, मतलब जो हैंड्स ट्रांसफर हुए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनका व्यू क्या है। आप देखिएगा, जिन लोगों ने यहाँ पर कैश में अगर अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया है और वो इस जगह पर फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस को लेकर अगर शॉर्ट बनते हैं, मार्केट के नीचे जाने पर क्या कर रहे होंगे आपके पास, उन्होंने अपनी पोजीशंस को हैच कर रखा है, एवरेज कर रखा है, क्योंकि जो लोग हाई के पास में बाई कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उन्होंने अपनी पोजीशंस को हैच किया होगा? हैच करने के लिए उन्होंने अगर कैश में बाइंग की है तो या तो उन्होंने फ्यूचर्स में ऑप्शन का सहारा लेकर कहने के अपनी पोजीशंस को जरूर हैच किया होगा। और दोस्तों, इस हाई के पास में अगर कोई बाय कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कहीं ना कहीं हैच कर रखा है। दोस्तों, इस जगह पर अब देखिए, मेरी कन्विक्शन की जायज हो जाती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके के ग्लोबल मार्केट्स के अंदर चेंजेस आए हैं और ग्लोबल मार्केट ने जैसे अपनी एक नई चाल पकड़ी है, एक ब्रेकआउट को देने के बाद में एक नए बेस बनते हुए दिखाई देने ग्लोबल मार्केट्स में, सर सेम तरीके से हमारी कंट्री जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी वाली कंट्री है, जो फ्रेजाइल 5 से निकलकर आपके से बेस्ट 5 में पहुंची है, तो इतनी जल्दी वो वापस से फ्रेजाइल 5 में तो नहीं जा सकती। तो उस कंडीशन में मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अगर एक बार आज के मत जैसे अभी कुछ समय के अंदर मार्केट 23,000 से ऊपर निकल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बाइंग, क्योंकि ये जो बाइंग है आपके पास में कंसिस्टेंट बाइंग रही है, तो बाइंग की वजह से मार्केट 23,005 के ऊपर निकल जाएगा, और 23,005 के ऊपर निकलने के बाद 23,005 ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारा रहना चाहिए हमारी लॉन्ग पोजिशन का, और मार्केट में यहाँ से हमारे को ये मतलब
1,23,005, ठीक है। तो हमारे को 23,005 के ऊपर निकलने के बाद ही कहीं मार्केट के अंदर हमारी बुलिश पोजीशन, और 23,005 उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस है, और यहां से बाहर निकलने के बाद मार्केट मूव कर सकता है टुवर्ड 23,521, मतलब हमारा जो अगला टारगेट है। देखिए मैं हमेशा आपको मार्केट में टारगेट्स पहले अपने जो होते हैं वो शेयर करता हूँ दोस्तों, मैं आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जैसा मैं चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, जैसा मैं चार्ट्स को रीड करता हूँ, उन चार्ट्स की रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेम ऑब्जर्वेशन में हो सकता है मेरे क्लाइंट्स ने कोई पोजिशन क्रिएट की हो, और सेम ऑब्जर्वेशन में मैं अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाकर मार्केट में भी पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँगा। तो दोस्तों ये मेरा डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ में कि आप इसे ध्यान में रखिएगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइस से सलाह मशवरा लीजिएगा। तो दोस्तों 23,521 मुझे मार्केट का अगला टारगेट दिखता है, और दोस्तों 23,521 तब जा सकता है जब मार्केट 23,000 पर अपना बेस बनाए, और 23,000 पर बेस कैसे बनेगा जब हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट के अंदर पुट राइटिंग होनी शुरू हुई है। मतलब ये कि सस्ती पुट पर भी ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ रहा है, मतलब इधर पुट का रेट कम हो रहा है और उस जगह पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब ऑप्शन राइटर सस्ता भी पुट को बेचने को तैयार हो जाएंगे तो इसका मतलब उनका व्यू मार्केट को लेकर काफी बुलिश बन चुका है। तो हमारे को यहाँ पर जो ऑब्जर्व करना है मार्केट में, ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करना है कि ऑप्शन राइटर किस तरीके से काम करके चल रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद लेकर चलता हूँ मेरे एनालिसिस आपको काफी पसंद और समझ आया होगा। तो सेम तरीके से 49,005 देखिएगा, ये 49,005 के पास का जो कंसोलिडेशन, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, मैं आप लोगों को बताया भी था कि 49,005 का कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी के अंदर ये हैंड्स चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों 49,050 से 5 से नीचे निकलने पर 49,005 का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी के अंदर जो मार्केट में बियर्स है वो एक्टिव हो चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अपने प्लान्स को बनाते हुए। तो दोस्तों 49,005 के ऊपर 49,005 का ही स्टॉप लॉस, और उस जगह पर हमारी जो पोजीशन बनती है वो बुलिश बनती है, क्योंकि 49,005 एक कंसोलिडेशन की जोन है। जिस जगह पर कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट कोई एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करता है, मार्केट जब एक डायरेक्शन पकड़ता है तो आप समझ सकते हैं तो अगर हमें बियर्स का क्या स्टॉप लॉस होता है और बायर्स का क्या स्टॉप लॉस होता है वो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रीब्यूशन जोन ही होता है। कॉन्सेप्ट आप समझ आ गया होगा, आज आप बहुत कुछ सीख पाए होगे, और उम्मीद करके चलता हूं कि आप इस एनालिसिस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होगे, और इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर कमेंट डाल के जाओगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।